आज इस सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के इस जोश भरे होश भरे कार्यक्रम में हमारे बीच में आपके इस विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो जुझारू हैं, जो काम सेवा की भावना के साथ करते हैं और आपकी हर समस्या के लिए जूझते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक और पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई राकेश जम्वाल जी, हमारे बीच में बल विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई इंद्र सिंह गांधी जी, जिला परिषद के अध्यक्ष पाल वर्मा जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष दिलीप ठाकुर जी, नगर परिषद के अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष राजकुमार जी, मंडल के अध्यक्ष श्री प्रताप ठाकुर जी, डिप्टी कमिश्नर अरिंदम चौधरी जी, एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री जी, पार्टी के हमारे साथी श्री ओम प्रकाश जी, धर्मपाल जी, सबका नाम संभव नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत लंबी सूची है, और यहां उपस्थित सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आज एक बार सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में आप सबके दर्शन करने का फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हमारा अभिनंदन स्वागत किया उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में अभी आपके विधायक महोदय जी राकेश जम्वाल जी ने सारी बातों को लेकर के कहा, ये सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दृष्टि से ऐसे भी महत्व रखता है और विकास की दृष्टि से भी इसको जो महत्व देने की आवश्यकता थी, इन तमाम सारी बातों को लेकर के अगर किसी कार्यकाल में सबसे ज्यादा बेहतर काम हुआ है तो वर्तमान कार्यकाल में हुआ है और मैं भी आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। काम होना चाहिए यह आवश्यकता भी है और आवश्यकता के साथ साथ में यह हमारा काम करने की क्षमता भी आंकने का एक माध्यम होता है। हमने इस बात को देखा कई बार कई लोग विधायक बनते हैं, पहली बार बनते हैं, जितना कर काम हुआ उतना कर हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा उस सारी चीज को लेकर के चिंता ना करना, परिश्रम ना करना, लेकिन राकेश जी जब से विधायक बने पहली बार के में, लेकिन पहले दिन से ही इस प्रकार से इस विधानसभा क्षेत्र के एक नक्शे को बना करके अपने दिमाग में दिल में बैठे कि यहां मुझे ये चाहिए, यहां मुझे ये चाहिए, यहां मुझे ये चाहिए, यहां मुझे ये चाहिए, यही कहते कहते पूरा पांच वर्ष का काम और हमने इस दिशा में प्रयत्न किया भी, प्रयास किया है, जहां जो चीज चाहिए उस चीज को हमने देने की कोशिश भी की है और इसलिए मैं कह सकता हूं, उस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं
अगर विकास की अगर बात कहें, काम की अगर बात कहें, तो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में मैं समझता हूं कि किसी को गीला शिकवा करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम इस बात से सहमत हैं कि मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता भी हूं, काम खत्म होते नहीं है, कभी नहीं। जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन काम खत्म नहीं होते। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक लक्ष्य के साथ निर्धारित जो तय किए हुए कार्यक्रम, तय किए हुए जो काम, उनको पूरा करने के लिए जब कोई आदमी आगे बढ़ता है तो वो लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। और इस सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में कह सकता हूं मैं कि जो लक्ष्य तय किए थे कि हमने 5 वर्ष के कार्यकाल में ये सारी चीजें पूरी करनी है, उनको एक एक को पूरा करने में आप सफल हुए हैं। उसके लिए मैं भाई राकेश को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। नहीं तो कहा जाता है कि नया आदमी है, सीखने में वक्त लगेगा, समझने में वक्त लगेगा, और जितने को सीखने का वक्त पूरा होता है, समझने का वक्त पूरा हो जाता है, तब तक के लिए 5 साल बीत जाते हैं। लेकिन ये परिस्थिति आपके इस क्षेत्र में नहीं रही। समझने में भी देर ने की और काम करने में भी देर ने की। इस बात के लिए मैं सुंदरनगर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मैं आपके बीच में यहां इस कार्यक्रम में यहां पहुंचा, तो यहां पहुंचने से पहले जब हम मंच के करीब पहुंचे थे, राकेश जी बोल रहे थे कि उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए उस तरफ जाना है। हमने कहा कि लोग सुबह से आए हैं, लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं और गर्मी में इंतजार कर रहे हैं, इसलिए लोगों से पहले बात कर लेते हैं, उद्घाटन और शिलान्यास हम उसके बाद कर लेते हैं। हालांकि मैं कुछ दिन पहले ही आपके क्षेत्र में आकर के अनेक उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम कर चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद आज भी यहां पर 4 शिलान्यास और 3 उद्घाटन के कार्यक्रम हैं जिनको हम इस सभा के समाप्त होने के पश्चात यहां पर करेंगे, और उसमें कुल मिलाकर के 53 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आज के ही दिन हो रहे हैं। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजकल हम हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम करने के लिए निकले हुए हैं और हमारे विपक्ष के मित्र बहुत हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं। और निराशा किस वजह से है, क्योंकि आमतौर पर जब सरकार का कार्यकाल जब पूरा होने को नजदीक आ जाता है तब लोगों को लाना मुश्किल होता है, बिठाना मुश्किल हो जाता है, सुनाना मुश्किल हो जाता है। और कोई कांग्रेसी कह रहा तो ये हम पहली बार देख रहे हैं जब कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है तो लोग जोश और जनून के साथ हजारों की तादाद में सभा में पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इसका संदेश कांग्रेस की कोई बैठक चल रही थी, उस बैठक में उस आदमी ने कहा कि ये हट करके है, ये पहले नहीं होता था, जो अब की बार हो रहा है तो इसको समझने की कोशिश करो। कांग्रेस के मित्रों को एक आदमी ने सलाह दी कांग्रेस की ही कार्य बैठक में। वो अपनी बैठक में क्या करना है, क्या सलाह करनी है, लेकिन वो चिंतित है। आज सुंदरनगर आने से पहले मैं सुलह विधानसभा क्षेत्र जा रहा था, हमारे साथी रात को जब ऊना में मैं ठहराव किया था, ऊना में उन्होंने कहा कि सुबह पत्रकार मित्रों से मिलते हुए जाना चाहिए हमको,
और वो ना आए हैं तो उनके साथ हम अल्पाहार करेंगे। हमने कहा ठीक है। जब अल्पाहार करने के पश्चात वहां पर हम आपस में बात कर रहे तो पत्रकार ने पूछा, आपके तंबू से बोलते हैं हमारे बहुत सारे साथी बहुत परेशान हो गए। हमने कहा तंबू से परेशान होने की क्या बात है? कि बोलता जहां भी जा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप तंबू गाड़ करके चले हैं, और ऐसे में कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने कहा भाई उन मित्रों को कह देना, जहां तक तंबू की बात है, तंबू तो हमारा गड़ा ही रहेगा, चाहे वो दिल्ली है चाहे वो हिमाचल है। अब तुम्हारा तंबू अगर उखड़ गया है, देश से भी उखड़ गया है, प्रदेश में भी उखड़ गया, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो लगा रहेगा। हमारे तंबू से परेशान हो रहे, हम हिमाचल प्रदेश में गठन के बाद 50 सालों का कार्यकाल के लिए लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का सहयोग रहा है। मैं किसी एक नेता अभिनेता का धन्यवाद करने के लिए नहीं कोई कार्यक्रम का आयोजन कर रहा हूं। जहां पूरे देश भर में अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 वर्ष बीतने के पश्चात अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, देश के लोग समझे आजादी मिली कैसे है, देश के लोग इस बात को समझे कि आजादी के बाद इस यात्रा में लोगों का योगदान क्या रहा है। क्योंकि आज की वर्तमान स्थिति में जो लोग नौजवान हैं, चाहे हमारी इस उम्र के हैं, उन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया है, उन्होंने उस दौर को देखा नहीं है जब देश आजाद नहीं था। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि देश के इतिहास को देश के समक्ष रखना चाहिए, और इसलिए अमृत महोत्सव के कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने आह्वान किया कि यह हमारे लिए बहुत विशेष दिन है, आजादी के 75 वर्ष बीते हैं, और इस देश की आजादी के लिए सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है। आओ हम एक काम करें, इस स्वतंत्रता दिवस को एक अलग तरह के माहौल के साथ हम इसको मनाएं। और उन्होंने कहा कि घर छोटा है बड़ा है जैसे भी है जहां भी है, आओ हम अपने घर में तिरंगा झंडा लगाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये आह्वान किया। पूरा देश इस काम में जुट गया और दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा हर घर में लगाने का पूरे तमाम रिकॉर्ड समाप्त हो गए। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक काम करने का तरीका है, हट करके सोचना, हट करके काम करना, कुछ छोटा नहीं बड़ा काम करना, बड़ा सोचना बड़ा करना। और इसलिए आह्वान भी किया उन्होंने लाल किले से उस दिन, कहा कि बड़ा सोचना बड़ा लक्ष्य रखना यह हमारे जीवन के सामने होना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जब बड़ा लक्ष्य रखेंगे आप, तो उस बड़े लक्ष्य के लिए परिश्रम भी करना पड़ेगा, चुनौतियां भी सामने होंगी, कठिनाइयां भी होंगी, लेकिन उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब आदमी आगे बढ़ता है तो उसमें सफलता भी मिलती है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष बीतने के बाद हमने भी तय किया, क्योंकि हम चुनाव के बहुत करीब है, ऐसे में बहुत सारे आयोजन हम सोच रहे थे जो करने संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमने एक चीज की कि हमने कहा कम से कम ऐसे में हम एक काम क्या कर सकते हैं। सब साथियों से चर्चा करने के बाद एक निर्णय किया हमने कि एक काम हम कर सकते हैं कि जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान दिया है, एक नागरिक होने के नाते, चाहे वो मजदूर मजदूरी करने वाला है, चाहे किसान है, बागवान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, क्या यह संभव है कि उनका
इस योगदान के लिए, हिमाचल के इस विकास यात्रा में उनके योगदान के लिए पूरे प्रदेश में जाकर के उनका अभिनंदन किया जाए, उनका धन्यवाद किया जाए। तो हमने कहा ये काम जरूर हम करेंगे, क्योंकि हिमाचल को यहां पहुंचाने में हिमाचल के सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए आज हम सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में अभी आकर के आप सबको भी, आप सबका भी आभार व्यक्त करते हैं, आप सबका भी अभिनंदन करते हैं कि हिमाचल की इस यात्रा में आप सबका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नहीं तो परंपरा ये बनी थी कि इस योगदान के लिए कुछ लोगों का ही जिक्र किया जाता था। मैं इस बात से सहमत हूं, अलग अलग समय में जो नेतृत्व हिमाचल प्रदेश का रहा है उनका योगदान रहा है, कौन मना कर रहा है। और इसलिए आप लोगों ने हमसे पहले आने से पहले यहां डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, उस डॉक्यूमेंट्री में जिक्र किया है हिमाचल प्रदेश के निर्माता जिनको हम कहते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो पहले मुख्यमंत्री हैं, उनके योगदान को भी स्मरण किया है। ठाकुर रामलाल जी मुख्यमंत्री, उनके योगदान को भी स्मरण किया है। श्री शांता कुमार जी के योगदान को भी स्मरण किया है। वीरभद्र सिंह जी के योगदान को भी स्मरण किया है। और प्रेम कुमार धूमल जी के योगदान को भी स्मरण किया। लेकिन उनके योगदान के साथ साथ में सही मायने में मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जो योगदान देने वाले हिमाचल के लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए हिमाचल को आगे बढ़ाने में योगदान, उनका धन्यवाद कौन करेगा। हमने कहा ये हम करेंगे, इस जिम्मेवारी को हम लेते हैं। और पूरे हिमाचल प्रदेश में उन सभी भाई बहनों का अभिनंदन कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद कर रहे हैं मंच से सार्वजनिक रूप से कि हिमाचल आपकी वजह से है और ये हिमाचल यहां तक पहुंचा है, तो उसमें आपका योगदान है। और आने वाले समय में भी हिमाचल आगे बढ़ेगा तो आपकी वजह से बढ़ेगा, और आगे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में किसी का अगर योगदान होगा तो आप सबका होगा, हिमाचल वासियों का होगा। अगर इस भाव के साथ हम लोगों के साथ बात करने के लिए अगर पूरे प्रदेश भर में निकले हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को परेशान क्यों, हम तो आपका भी धन्यवाद कर रहे हैं। आपका भी योगदान रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, योगदान किसी रूप में भी रहा है, अच्छा भी रहा है, खराब भी रहा, बुरा भी रहा है उनका। लेकिन कई बार विचित्र परिस्थिति में देखता हूं, हमें बार बार कहा जाता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा बात तो सच्ची है भाई, आपका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और होने लायक रहा भी नहीं, ना देश में रहा ना प्रदेश में होने लायक रहा, क्योंकि वो पार्टी एक ऐसे दौर में, खराब जिंदगी भर के सबसे खराब दौर में से गुजर रही है। और आपको कैसा लग रहा है मालूम नहीं, पूरा देश आश्चर्यचकित है जब आटे को भी लीटर में तोला जा रहा है। ये इस पार्टी के नेतृत्व की हालत है, कहां जा रही है वो पार्टी, कहां जा रहा है, कहां ले जाएंगे उस देश को, आप कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए पूरे देश भर में उनके साथी छोड़ते जा रहे हैं, परिवार से बंद करके जिंदगी गुजर गई। ये देश एक परिवार का नहीं हो सकता है, परिवार से मुक्ति चाहिए देश को, देश ने मुक्ति ले ली। और इसलिए पूरे देश भर में नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नाते, आज तक के हिंदुस्तान के सबसे मजबूत नेता के नाते जो है प्रधानमंत्री के नाते काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे मजबूत नेता के नाते अगर पूरे सर्वेक्षण में नाम आता तो नरेंद्र भाई मोदी जी का आता है। और पूरे देश ने माफी मांग ली, भाई बस करिए, माफ करिए, अब नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता,
क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, हमें देश की जो जरूरत थी, हमारे देश की उस जरूरत को हमने वर्षों के संघर्ष के बाद, वर्षों के अरसे के बाद जो है अपनी आंखों के सामने पूरा होते देखा है। देश को एक मजबूत नेतृत्व चाहिए तो आज मिला है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में। लोग इस बात को कह रहे हैं, इसलिए तो लोग कह रहे हैं मोदी जी के लिए, बार बार कह रहे हैं कि लगातार चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे वो मित्र मानते नहीं। आजकल कुछ शांति पड़ी है, पता नहीं मौसम की वजह से हुई है कि क्या हुआ है। बाहर बारिश का मौसम है, बाहर कम निकल रहे हैं। आज से मैं 1.5-2 महीने पहले देख रहा था, उछल उछल करके हम आ गए, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। ऐसे आने देंगे क्या? ऐसे तो नहीं आने देंगे। हमने कहा कि रिवाज बदल गया भाई, कहते कि नहीं रिवाज नहीं बदलेगा, तुम्हारे कहने से नहीं बदलेगा। और मैं ये भी कहता हूं मेरे कहने से भी नहीं बदलेगा। पूरे देश का मूड देख लीजिए, हालात देख लीजिए। अभी चुनाव हुए कुछ प्रदेशों में, आपने देखा कि उत्तराखंड में चुनाव हुए, जहां उत्तराखंड जब से बना था हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार रिवाज बदला, धामी जी थे, धामी जी फिर आ गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, पिछले 37 वर्षों से हर बार 5 वर्ष के बाद सरकार बदल रही थी, लेकिन अब की बार रिवाज बदला, योगी जी थे, योगी जी फिर आ गए। गोवा में वही हुआ, मणिपुर में वही हुआ, पड़ोस का राज्य हरियाणा में 2014 में मनोहर लाल खट्टर जी वहां पर मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी। 2019 तक 5 साल का कार्यकाल करने बनने पूरा करने के बाद फिर मनोहर लाल जी सत्ता में हैं। तो रिवाज पूरे देश में बदल गया भाई, समझा करो, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जब पूरे देश में रिवाज बदल गया, जब पूरे देश में रिवाज बदल गया, तो हिमाचल क्यों नहीं बदलेगा भाई? हिमाचल भी रिवाज बदलेगा। जब हमने रिवाज की बात कही, हमारे कुछ साथी बहुत ज्यादा निराश हुए, हताश हुए, ये तो वो करने जा रहे हैं कि जो हमारे हमारे बापूजी नहीं कर पाए थे, बोलते और कहने लगे ये रिवाज बदलने की बातें मत करो, ये बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए हैं। राजा साहब 6 बार रहे हैं लेकिन वो भी नहीं कर पाए हैं। जयराम किस खेत की मूली है? मैंने कहा भाई मुझे तो मूली भी मत समझिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कम से कम मेहरबानी से तुम लोगों के दिमाग से जो बड़े बड़े लोगों का जो जिक्र है, इस बात को दिमाग से निकालना होगा। ये छोटे लोग निकालेंगे, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है जो अपने आप को बहुत बड़ा मान करके बैठ गए हैं, अब की बार इस बात को दिमाग से निकालेंगे कि बड़े नहीं होते कोई, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। अटल जी ने कविता में कहा है, लिखा है उनने, आदमी ना बड़ा होता है, आदमी ना छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। आप कल्पना करिए कि कुछ महापुरुषों के दिमाग में इस तरह की बात होगी कि हम बहुत बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। और हमने उनको ये बात कही, मैंने कहा कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ काम बड़े लोगों से नहीं होते हैं, कुछ काम छोटे लोगों से होते हैं, और अब की बार ये छोटे लोग मिलकर के इस काम को करेंगे और रिवाज को बदल करके छोड़ेंगे। मैं क्या इस बात को मान के चलिए, भारत 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 भारत
कई बार विचित्र लगता है मुझे। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातें कहनी बात ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस तरह से हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं कि पता नहीं कि 6 बार का अनुभव इनका ही मुख्यमंत्री रहने का है। चलिए, लोकतंत्र है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं कुछ टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं हकीकत कहना चाह रहा हूं कि जो बड़े बड़े लोग रहे, बार बार रहे, वो सत्ता में रहे, उनने गरीब का दर्द नहीं समझा, और हम गरीब लोग थे, गरीब लोगों की दर्द के बीच में रह करके हमने जिंदगी गुजारी है, और इसलिए उसकी पीड़ा क्या होती है, गरीबी क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, इसको समझा ही नहीं है, उसको हमने करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए हमें जो भी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में बनाई हो, गरीब के पीड़ा को देख करके बनाई है। हमने कहा बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, बड़े लोगों के लिए तो 1000-1500 रुपए कुछ नहीं होता है, 1800 रुपए पेंशन देते हैं वो कुछ नहीं होता है, लेकिन गरीब हमारा बुजुर्ग, हमारी विधवा माताएं बहनें, हमारा जो हैंडीकैप का भाई है कोई, वो इंतजार करता है कि मेरे महीने की पेंशन 1800 रुपए आएगी, 1500 रुपए आएगी, 1000 रुपए जो भी आएगी, उससे मैं कुछ एक चीज ये खरीदूंगा, एक चीज ये करूंगा, इससे मैं ये मदद जो है इस बार मैं करूंगा अपने लिए, उसका इंतजार करता है। बड़े लोगों के लिए उसका महत्व नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के लिए उसका महत्व है, और इसलिए जो बड़े लोगों की सरकारें रही उनके जमाने में हिमाचल प्रदेश में 4 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, जब दौर हमारे जैसे छोटे आदमी का है, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे, वो 400 करोड़ रुपए खर्चते थे पेंशन पर, हम 1300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में पेंशन पर खर्च करते हैं। गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में हो, ये बड़े लोगों का ख्याल नहीं हो सका, इसलिए नहीं हो सका कि वो बहुत बड़े थे। बड़े लोग बीमार होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इलाज बढ़िया हो जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बढ़िया इलाज होता है, लेकिन गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा? जब डॉक्टर कहता है कि मरीज के लिए अभी 1 महीना और ज्यादा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रुकना पड़ेगा, घर जमीन बेचने की नौबत आ जाती है, कभी नहीं सोचा। हम हैरान हुए इस बात को लेकर के जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जब अधिकारियों के साथ मैंने बातचीत की कि कोई गरीब आदमी अगर ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए तो उसके इलाज का प्रावधान क्या है, अधिकारियों ने कहा कि सॉरी सर, ऐसे क्यों योजना नहीं है। तो हमने कहा क्यों नहीं सोची गई जी, ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं। प्रस्ताव तब आता जब वो उस पीड़ा को समझते कि गरीब आदमी जब बीमार होता है, उसके इलाज का जब खर्चा उसके पास नहीं होता है, वो कैसी मानसिक परेशानी के दौर में से गुजरता है, और कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि परिवार के लोग या वो मरीज खुद ही कह जाता है कि मुझे ले चलो, घर ले चलो, मैं ठीक नहीं होने वाला, कम से कम जगह जमीन गिरवी मत करो मेरे इलाज के लिए, और इस तरह से वो अपनी इस दुनिया से ही चला जाता था। हमने कहा अधिकारियों को योजना बनाइए, उन्हें कहा साहब पैसा लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। हमने कहा आदमी की जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है, जितना भी लगेगा इंतजाम करेंगे, लेकिन गरीब आदमी के इलाज के लिए मदद का रास्ता निकालेंगे, और हमने हिमकेयर की शुरुआत की। और जब से इस योजना को शुरू किया, 3,20,000 से ज्यादा गरीब लोगों को हम स्वस्थ करके, उनका इलाज करके, उनको घर भेजने में सफल हुए हैं। ये बड़े आदमी नहीं कर पाए, लेकिन हम छोटे आदमी ने यह काम किया है। आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई पूरे देश के लिए, उसको हमने सैचुरेशन पर पहुंचाया, हर एक गरीब आदमी का इलाज का प्रावधान उसके अंतर्गत किया, हिमकेयर के अंतर्गत, और आगे बढ़कर के हमने और चीजों को लेकर के काम करने की कोशिश की। उज्ज्वला योजना की बात कहते हैं हम, 1,37,000 गैस के कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको हिमाचल प्रदेश में उस योजना के अंतर्गत दिए,
और एक जगह में कार्यक्रम में गया था, दो महिलाओं ने हमको एप्लीकेशन दी कि हमको भी गैस चाहिए, और मैंने अधिकारियों को कहा कि भाई इनको गैस चाहिए तो दे दीजिए, इनको भी दे दीजिए। जब छानबीन की गई तो मालूम पड़ा कि ये उज्ज्वला योजना के लिए जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आता है, आते हैं ये, तो इसलिए इनको देना संभव नहीं है। हमने कहा और क्या तरीका हो सकता है? अधिकारियों ने कहा कोई तरीका नहीं है जी, गैस देने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। हमने अधिकारियों को बुलाया, कुछ दिनों के बाद बैठे, बैठ के चर्चा की, हमने कहा जितने भी हिमाचल प्रदेश में गरीब लोग हैं उन सबके घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, देना हो, तो क्या करना पड़ेगा? कहा साहब बहुत पैसा लगेगा। हमने कहा कितने लोग होंगे? उन्होंने कहा कि 60-70 हजार लोग होंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, जो भी होगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि पड़ोस के घर में गैस का चूल्हा लगा, उसके पड़ोस में दूसरा गरीब आदमी, उसके घर में गैस का चूल्हा नहीं है। हर का घर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। तो गृहिणी सुविधा योजना शुरू की, 3,35,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश में दिए हमने, जहां कहा जा रहा था कि 60,000 लगेंगे। ये बड़े आदमी नहीं सोच पाए, क्योंकि उनके घर में तो गैस के चूल्हे हैं, गैस पर खाना बनता है, आराम से बनता है, लेकिन गरीब आदमी किस प्रकार से उस गरीब परिवार में खाना बनाता है, इसके लिए कभी उन्हें नहीं सोचा, ऐसा सोचना चाहिए। ये अंतर है जिसको मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। और उसी तरह से आगे बढ़ करके हमने सहारा योजना की शुरुआत की। सहारा योजना का अभिप्राय हमारे ऐसे लोग जो बिल्कुल जो बिस्तर पर है, जिनकी मदद करनी चाहिए। और मैं हैरान हुआ, पहले हमको लग रहा था 4,000-5,000-10,000 लोग होंगे, 20,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया। ऐसे लोग जो बिस्तर पर है, जिंदा है, अपना काम भी नहीं कर सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं अपने सहारे, उनको सहारा योजना के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में 3,000 रुपये हर महीने का उनके खाते में डाल करके उनकी मदद कर। मैं अभी कुछ दिन पहले शिमला में एक कार्यक्रम में था, और उस कार्यक्रम में एक महिला को मंच पर बुलाया गया कि इसको सहारा योजना का लाभ मिला है, तो हमारी इच्छा, उसका परिचय दिया गया, कांगड़ा जिला से थी वो महिला। जब परिचय दिया गया तो उसके बारे में बहुत बड़ा हैरानी वाला एक पक्ष देखने को मिला। उस महिला की शादी होने के बाद पहला बच्चा हुआ, वो स्वस्थ नहीं था, और कुछ साल के बाद दूसरा बच्चा हुआ, वो भी वैसे ही अस्वस्थ था, तीसरा बच्चा हुआ, वो भी वैसा ही हुआ, और पति ने पत्नी को छोड़ करके वो चला गया। और उस मां के पास 3 बच्चे, तीनों के तीनों बच्चे अपाहिज, उनका इलाज करें, उनके खाने का इंतजाम करें, करें तो क्या? रिश्तेदारों ने जितनी कर मदद करनी थी वो उतनी मदद हुई, लेकिन कितना करते? आखिरकार उस महिला को किसी ने कहा कि नई सरकार बनी है, नई सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है, और उस योजना के लिए कागज पत्र आपको ये बनाने होंगे, तो उसको गाइड किया। तीनों बच्चों को सहारा योजना के अंतर्गत लाया गया, और तीनों बच्चों को 3,000-3,000 रुपए, 9,000 रुपए उस महिला को एक महीने का मिल रहा है। और उस महिला ने कहा कि उस पैसे से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूं, अगर आने वाले समय में गुंजाइश होगी पढ़ने की भी, अगर पढ़ने की स्थिति भी अगर बच्चे की बनेगी तो मैं कोशिश करूंगी, इसी से बच्चों को पढ़ाने की भी कोशिश करूंगी। आप कल्पना कर सकते हैं, ये सारी चीजें बड़े लोग नहीं सोच सकते, क्योंकि वो इतने बड़े थे, उनको इस पीड़ा का आभास ही नहीं था कि ऐसे भी लोग होते हैं। और इसी तरह से आगे बढ़कर के हमने और योजनाओं का जिक्र किया। हमने हिमाचल प्रदेश में एक और योजना की शुरुआत की, हिमाचल प्रदेश में जो बीपीएल परिवार की बेटी है, जब उस बेटी की शादी होगी, उसके मां बाप गरीब परिवार के होंगे, तो लेकिन उसके बावजूद सरकार के नाते हम भी शुभकामनाएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, इसलिए शगुन योजना के अंतर्गत हमने 31,000 रुपए उस बेटी के खाते में जमा करने का निर्णय लिया। मैं भी बैद्यनाथ विधानसभा क्षेत्र में गया था, वहां एक कार्यक्रम में था मैं, और वहां शगुन योजना के जो लाभार्थी, वहां कुछ उनको बुलाया था, उनका उनके साथ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
एक बेटी को बुलाया गया, उस बेटी की शादी हुई थी और मेरी इच्छा जानने की हुई कि जब इस बेटी की शादी हुई तो मैंने उसको शुभकामनाएं दी, अपना आशीर्वाद देकर के उनको बधाई भी दी और आखिरकार मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा एक चीज मैं जानना चाहता हूं, जो आपको 31,000 रुपये सरकार की ओर से शगुन योजना का मिला उसका आपने क्या किया, अपने खाते में जमा किया, अपने पति के खाते में जमा किया या खर्च किया, क्या किया? थोड़ी सा संकोच किया बेटी ने उसने, लेकिन उस बेटी ने सच कहा कि जो पैसा 31,000 रुपये मेरे खाते में शगुन योजना के अंतर्गत आया था उस पैसे को मैं अपने खाते से निकाल करके वो पैसा मैंने अपने पिताजी के हाथ में दे दिया। सब लोगों को हैरानी भी हुई, मुझे भी हैरानी हुई थोड़ी देर के लिए। हमने कहा बेटे वो पैसा तो आपको दिया था, पिताजी को क्यों दिया आपने? तो साथ में पिताजी भी खड़े थे। उसने कहा मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और पिता का भाव बेटी के लिए क्या होता है कि जिस दिन बेटी की विदाई हो तो कम से कम रिश्तेदार तो कम से कम वहां साथ में हो, हमारे गांव के लोग जो प्रमुख लोग जो वहां पर उसमें हिस्सा बने। और इसलिए सब गांव वालों को बुलाया, खाने पर बुलाया, थोड़ा सा छोटा सा कार्यक्रम किया और मुझे विदाई करते हुए मुझे अच्छी तरह से मालूम पड़ गया था कि पिताजी ये सारा जो भी इंतजाम कर रहे हैं उसके लिए अपने रिश्तेदारों से सहयोग लेकर के, उनसे उधार लेकर के ये काम कर रहे हैं। और मुझे लगा कि मेरे ऊपर ये बहुत बोझ रहेगा, मेरे लिए पिता का आशीर्वाद ही सब कुछ है, इसलिए मैंने तय किया मैं तो चले जाऊंगी दूसरे घर के लिए, लेकिन मेरे जाने के बावजूद में मेरा पिताजी पता नहीं कब तक मजदूरी करते हुए इस ऋण को चुकता करते रहेंगे। इसलिए मैंने वो 31,000 रुपए निकाल करके पिताजी के हाथ में दिया। ये बेटी के लिए आशीर्वाद ही काफी है, ये बेटी की भावना है पिता के लिए और पिता की भावना है बेटी के लिए क्या हो सकती है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये सारी चीजों को वो लोग नहीं समझ सकते हैं जो बड़े लोग होते हैं, उनके लिए इन चीजों का महत्व नहीं है। ऐसे में भाई और बहनों बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। आज हमने महिलाओं के लिए तय किया हिमाचल प्रदेश में कि महिलाएं हमारी आधी आबादी का आधा हिस्सा है, पूरी आबादी का आधा हिस्सा है, इसलिए हमने कहा आने जाने के लिए उनको सुविधा बेहतर होनी चाहिए। महिलाएं घर से बाहर काम करने के लिए निकलते हैं, इसलिए हमने कहा किराया भी उनका आधा करना चाहिए, आधा किराया किया है। उसके लिए भी मैं मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में जो बिजली की अगर बात आती है, हमने कहा कि गरीब लोग हिमाचल प्रदेश में 3 बल्ब 4 बल्ब जलाते हैं उनका कितना खर्चा आता, तो कहा कि 50-60 यूनिट खर्चा आता है एक महीने का। हमने कहा इस पर सोचना चाहिए, हमने पहले 60 यूनिट माफ करने की बात कही, 60 यूनिट पर हम किराया नहीं लेंगे, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि मध्यम वर्ग भी ऐसा है हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बिजली के 6-7 बल्ब लगाता है घर में होते हैं और उसमें 120 यूनिट तक बिजली खर्च आ जाती है, 125 यूनिट तक आ जाती है, तो उसमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो हमने एक बात को तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने से 125 यूनिट बिजली पर हम किराया नहीं लेंगे, जीरो बिल देंगे। और जहां आप लोग बैठे हैं जुलाई महीने का बिल आया होगा आप सबको, लेकिन कितना आया? जीरो बिल आया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां जितने भी लोग बैठे हैं अधिकांश लोगों का जीरो बिल आया होगा, क्योंकि 125 यूनिट से कम खर्च करने वाले लोगों के लिए जीरो बिल आएगा। लेकिन बड़ी विचित्र बात लगी, जब हमने इस प्रकार के निर्णय लिए, महिलाओं के लिए आधा किराया, 125 यूनिट बिजली का जिक्र किया, तो कांग्रेस के लोगों ने पत्रकार वार्ता की और कहा कि मुक्त खोर बना दिया हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने। और हमने कहा कि इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, हिमाचल के लोग स्वाभिमानी हैं, हमारी माताओं बहनों को इस प्रकार के शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले चुनाव में, मैंने कहा, बहुत महंगा पड़ेगा। हमने माता बहनों के लिए मुफ्त नहीं किया है, हमने सिर्फ मदद की है, हमने सिर्फ राहत दी है, आधी राहत दी है किराए में, इसको मुफ्त नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब देखिए जो आप सब लोगों को कह रहे हैं कि मुफ्त खोर बना दिया, अब आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, गारंटी दे रहे हैं, जिनकी अपनी गारंटी नहीं है वो गारंटी दे रहे हैं। और गारंटी क्या दे रहे हैं,
हम सरकार में आएंगे तो 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए 1500 रुपए देंगे हर महीने का। हम सरकार में आएंगे 300 यूनिट बिजली के देंगे। हम तो मुफ्त खोर कहलाए, तुमको क्या बोले अब? ये भी तो प्रश्न पूछना चाहिए उनसे, और पहले तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग तो वहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहां पर हिमाचल प्रदेश में आई इस घोषणा करने के लिए आए थे, गारंटी देने के लिए आए, तो उनको पूछिए क्या अपने प्रदेश में आप 300 यूनिट बिजली देते हैं? क्या अपने प्रदेश में आप 1500 रुपए हर महिला को देते हैं? जब अपने प्रदेश में नहीं दे सकते तो हिमाचल प्रदेश में देने की गारंटी तुम वहां से आकर के यहां आकर के दे रहे हो। और एक नेता कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, भाषण देते हैं, मंच पर से भाषण दिया कि जितनी चादर है उतना पांव पसारो। विक्रमादित्य ये कहते हैं, मुकेश अग्निहोत्री घोषणा करते हैं तो उन पर कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर कोट, कांग्रेस बहुत जिम्मेवार पार्टी है, ऐसी घोषणाओं से कांग्रेस पार्टी की छवि को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता एक नेता दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता, छोड़ दीजिए, वो उनकी लड़ाई है, घर की लड़ाई है, क्या है वो, उस बात को मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और इस तरह के हालात में आप देख रहे हैं, एक निराशा का एक माहौल बन गया उस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट पवन काजल कांग्रेस पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, दो बार के विधायक है, सिटिंग एमएलए छोड़ रहे हैं। नालागढ़ के कांग्रेस पार्टी के विधायक और हिमाचल कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष प्रदेश के लखविंदर राणा कांग्रेस पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या मतलब मालूम पड़ रहा है? इसलिए भाई और बहनों, आपको अंदाजा लग रहा है कि क्या होने जा रहा है आने वाले समय में, अभी और देखेंगे आप। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और उनके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद जिस तरह से मिल रही है, उस मदद को ध्यान में रखते हुए हम हिमाचल प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए पूरा काम करेंगे, और हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके ये हिमाचल आगे बढ़े, हिमाचल आगे बढ़ करके अलग पहचान के साथ पूरे देश के मानचित्र पर खड़ा हुए, लक्ष्य हमारा है, इस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। जहां तक भाई और बहनों, एक बात का जिक्र यहां पर राकेश जम्वाल जी कर रहे थे, कभी कोई रिश्ता ऐसा हो जाता है, अब हम जब कुछ बात कहते हैं मंडी आकर के, तो कुछ हमारे साथी दूसरी जगह जाकर के कई तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री मैं प्रदेश का हूं, ये मत समझाइए मुझे, लेकिन उसके बावजूद इस बात को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, भावनाएं तो अपनी जगह होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, अपनी अपनी भावना को व्यक्त करने का किसी व्यक्ति का तरीका अपना अपना हो सकता है, आप उन भावनाओं को रोकने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आज मंडी की भावनाएं हैं तो मंडी की भावनाओं के लिए मंडी के लोग उस सम्मान के लिए खड़े होंगे, निश्चित रूप से होंगे। प्रदेश एक है, हम प्रदेश के लिए पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र में काम किया है, सर्वांगीण विकास किया है, सर्वत्र विकास किया है, इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं कांग्रेस की तुलना में और ज्यादा बेहतर काम करने की, हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की है। लेकिन जब दौर इस तरह के आते हैं, सारी चीजों को कहीं तो सभी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर होता है, और उसमें भावनाओं को रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं आप सबके बीच में जो आपने भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, और हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर के आगे बढ़ेंगे, इकट्ठा होकर के काम करेंगे, ये मंडी पूरा हिमाचल हमारा सबका है, सब मिलकर के काम करेंगे, हर क्षेत्र में काम करेंगे, और उस लक्ष्य को हासिल करेंगे जो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को की सरकार को फिर सत्ता में ला सके, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और मैं आपके साथ में इतनी बात कहता हूं कि उसको निश्चित रूप से आपकी बात पूरा करेंगे। यहां कुछ चीजों को लेकर के
तीन चार चीजों का जिक्र यहां पर किया गया है, मैं उन सारी चीजों का जिक्र यहां पर बहुत विस्तार से नहीं करना चाहता हूं। एक तो यह कहा गया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मलोह में जो है इसको शहीद दीनानाथ के नाम पर करने की बात कही गई है और उनकी शहादत बताया गया है कि अक्टूबर 2000 में हुई थी बारामूला सेक्टर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए, और एक नौजवान ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है देश की रक्षा के लिए, तो इसको निश्चित रूप से शहीद दीनानाथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मलोह के नाम से हम आने वाले समय में करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और दूसरा, एक ग्राम पंचायत खिलड़ा में जो पटवार सर्कल की बात कही है धारंडा में खोला जाए, तो इसको भी मैं स्वीकार करता हूं। यहां पॉपुलेशन और सारे पैरामीटर जिसके ठीक होने चाहिए इसके आधार पर इसको भी करेंगे। और इसके अलावा एक और चीज, जो पशु औषधालय हाड़ा बोई में इसको सरुत करके पशु चिकित्सालय करने की जो बात कही गई है, और इससे तीन चार पंचायतों को इसमें लाभ मिलेगा, तो मैं इस पशु औषध चिकित्सालय करने की भी घोषणा करता हूं, इसको भी पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी तरह से एक और जो है यहां पर बजीन के गांव में जो है बोरट में पशु औषधालय खोलने की बात कही गई है, और उसको भी मैं स्वीकार करता हूं, उसके लिए भी उसको भी पूरा करेंगे। और एक पंचायत जो है ग्राम पंचायत मराड़ा में बदहन के गांव को जो जुड़ों में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात कही गई है, अगर कोई स्वास्थ्य का वहां कोई संस्थान नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसको भी खोलेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी के साथ साथ में एक और जो चीज कही गई यहां पर कि पौड़ा कोठी में पीएससी खोलने की बात कही गई है, तो इस पीएससी को भी खोलने की मैं यहां पर घोषणा करता हूं ताकि आपको इसकी स्वास्थ्य की सुविधा बेहतरीन ढंग से मिल सके। एक पुलिस चौकी नीरी को थाना बनाने की बात कही गई है, इसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के को आने के पश्चात इसको भी पूरा करेंगे, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उसकी औपचारिकताओं का दौर होता है, उसको भी पूरा करेंगे। और अंत में यही कहना चाह रहा हूं भाई और बहनों, एक वेटनरी डिस्पेंसरी सेकल बताए हैं वो रह गए थे, उसको भी करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहता हूं। और अंत में एक निवेदन मैं आप सबसे करना चाहता हूं, आपने जो बोला हमने वो किया, अब हम बोलेंगे वो आप करेंगे क्या, वो आपको करना होगा। सुंदरनगर से भाई राजेश जम्वाल जी ने पूरे जी जान से आपकी सेवा की है, आपके लिए काम किया है, आशीर्वाद दीजिए। बड़े बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेंगे, आप इनको अपना आशीर्वाद देकर के फिर से विधायक बना करके देंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और हिमाचल प्रदेश में जो रिवाज बदलने की बात अगली बार हम कह रहे हैं, इसको बदल करके छोड़ेंगे, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए उसे हम छोटे लोग मिलकर के सब करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।